हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिस साक्षी जैन, जिन्होंने अभी रिसेंटली जुलाई 2018 के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर किया है इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इन्होंने कौन कौन से मटेरियल को रेफर किया, कौन कौन से सोर्सेस को इन्होंने यूज किया, सो दैट ये इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। सो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर अचीविंग दिस सक्सेस। एंड सो आप हमें अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगी? सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी जैन। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम गार्गी कॉलेज इन इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर दैट आई हैव परस्यू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स इट्सेल्फ फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। एंड साइड बाई साइड आई हैव डन द बीएड कोर्स। एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग एज अ लेक्चरर इन द आईपी यूनिवर्सिटी। सो आपने बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन अपने साथ साथ pursue करी है? Yes, I have pursued both side by side. That's how it happens that BEd is a regular course, whereas I have done post graduation from the IGNU, and IGNU is the correspondence course. Okay. So we can do one correspondence and one regular course side by side. So that's why where it comes to me, and I opted for both. Okay. देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि UGC की regulation के according, अब देखिए अभी recently जो regulation चल रही है, आप एक रेगुलर कोर्स और एक डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एक कोर्स कर सकते हैं। सो जैसा कि हमें साक्षी जैन जी ने बताया कि यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी जो मास्टर्स है इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बीएड को कंप्लीट किया है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, कोई भी आप ओपन सोर्स से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप कोई भी रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं। सो देखिए जैसा कि हमें साक्षी जैन जी ने बताया कि इन्होंने बीएड के साथ साथ, जो कि बीएड इन्होंने रेगुलर किया है, इसके साथ साथ इन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अपनी कंप्लीट करी इग्नू से थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। सो देखिए आप इसके अंदर देखा गया है जो इग्नू का जो मटेरियल होता है ये काफ़ी डिफरेंट होता है जो यूजीसी नेट का सिलेबस डिफाइन किया गया है। सो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि आपको इग्नू का मटेरियल जो था वो सफिशिएंट नहीं था इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो इग्नू का मटेरियल है वो डिस्टेंस लर्निंग से, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो अपना कोर्स रखा है वो ऐसा सिंप्लीफाइड रखा हुआ है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर में मास्टर्स कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर नेट और जेआरएफ, तो उसका जो कोर्स होता है वो ऑब्वियसली मास्टर्स लेवल का होता है जो आपको रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। सो डेफिनेटली देयर इज सम गैप बिटवीन द इग्नू कोर्स एंड द नेट एंड जेआरएफ सिलेबस। तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई एंड आई टैकल विद दैट, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने चूज किया था इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना। सो या So, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको, जैसे कि आप सिलेबस को पूरा, मतलब कितना सिलेबस कवर हो रहा था इग्नू के मटेरियल से, आपने बाकी अदर सोर्सेज यूज करे उसके लिए? एक्चुअली मैंने जब मैं नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रही थी तो मैंने इग्नू का मटेरियल यूज़ नहीं किया, बिकॉज जो इग्नू में ऑलरेडी मटेरियल था वो मैं काफ़ी हद तक 90% मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुकी थी वो मटेरियल, और बाकी का जो 10% है दैट वॉज बेसिक थ्योरी। जो इग्नू का कोर्स होता है वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड होता है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल बेस्ड, एंड इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरी। तो जब मुझे जेआरएफ की प्रिपरेशन करने की बात है तो आई ऑफ फॉर माई ग्रेजुएशन बुक्स एज कम्पेयर टू द इग्नू बुक्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो इग्नू का मटेरियल है आपने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया, तो आपने अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल आपने कौन से मटेरियल को यूज किया मतलब इसके लिए? I have opted for the graduation material, my school level material which I have studied in 12th class economics, and I opt for the online courses, like I have searched for the for example I have this one topic, for example I have consumer equipment. Consumer is a basic topic although, but if I have any problem related to consumer equipment I just went to Google and search for it for my answers. So mostly I rely on Google for all my queries, and it helped me a lot. And that there are a lot of sample papers which you can opt for. Some are free, some are cheaply available online. There are many apps actually. There are a lot of apps which are online available in Google Play Store, which you can download and you can have mock tests in that. Even for paper one also, there are so many available. So I opted for either Google or Play Store apps or my graduation or 12th class books mostly. तो यहाँ पे आपने जो मटेरियल के लिए आपने बेसिकली टॉपिक्स को इंटरनेट पे सर्च करके गूगल सर्च के थ्रू ही आपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया? ओके, सो इसके लिए आपने कोई गाइड बुक्स वगैरह यूज करी थी? फॉर पेपर वन आई डिडंट यूज एनी गाइड बुक, बट फॉर पेपर टू आई यूज वन गाइड बुक दैट इज ऑफ द आर गुप्ता।
आई यूज दैट बिकॉज उसके थ्रू ये हुआ दैट आई कैन गेट टू नो ऑल द चैप्टर्स ऑल द टॉपिक विच आई हैव टू कवर एंड इन दैट देयर वर ब्रीफ गिवन अबाउट दोज टॉपिक दैट यू कैन स्टडी एंड यू कैन गेट अ ब्रीफ अबाउट दैट टॉपिक एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च फॉर मोर ऑफ द डिटेल्स ऑफ दैट टॉपिक ओके सो बेसिकली देखा गया आर गुप्ता जो बुक है इसके अंदर पास्ट ईयर पेपर भी गिवन होते हैं yes. So, आपने पास्ट ईयर पेपर को भी इसके अंदर प्रिपेयर किया था यस एब्सोल्युटली आई हैव प्रिपेयर पास्ट पेपर्स ओनली फ्रॉम आर गुप्ता एंड फ्रॉम ओनली आई गो फॉर सैम्पल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट बिकॉज इट्स लाइक कि आफ्टर 2000 बिफोर 2009 अगर हम लोग देखें सैम्पल पेपर्स को स्पेशली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो जो पेपर पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था उस टाइमिंग पे आफ्टर 2009 और 2008 आई डोंट रिमेंबर द ईयर उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है उसका पैटर्न चेंज हुआ है पहले तीन पेपर होते थे नेट में या तो उसके बाद वो दो पेपर्स में कन्वर्ट हुआ है तो जो तीन पेपर थे उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था उसका वे ऑफ अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने 2008 2009 तक के ही प्रीवियस ईयर करे हैं एंड उसके बाद मैं सैम्पल पेपर्स करती रहती थी ऑन डेली बेसिस तो यहाँ पे आपने बेसिकली पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन मटेरियल का काफी ज्यादा यूज किया और पेपर वन के लिए आपने बुक्स रेफर करी है कौन सी पेपर वन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया या क्वांट हो गया या फिर थोड़ी बहुत रीजनिंग जो हो गई वो तो आप थोड़ी बहुत बुक्स अवेलेबल होती हैं थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी सी पहले से ही नॉलेज थी बिकॉज आई हैव अटेम्प्ट लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स इन माय लाइफ सो मुझे थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज थी कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है तो मैंने उनकी प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान ना देके मैंने टीचिंग रिसर्च मेथड्स इन सब पर थोड़ा सा फोकस किया एंड एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न टीचिंग पेपर तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बीएड में क्लियर हो गया था When I was studying for B.Ed, the syllabus was like almost same, 70-80% we can say the syllabus was same. तो B.Ed ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी टीचिंग वाला सेक्शन को क्लियर करने में एंड रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स आई ऑलरेडी हैव स्टडी इकोनोमेट्रिक्स तो मुझे बेसिक नॉलेज थी पर बाकी नॉलेज आई सर्च फॉर गूगल आई रिलाई ऑन गूगल ओनली फॉर माई अदर नॉलेज फॉर रिसर्च सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो पेपर वन का पार्ट है इसके अंदर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग जो मैथमेटिकल पार्ट था वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया काफी अच्छे से हो गया बिकॉज ऑलरेडी मुझे थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज थी एंड इकोनॉमिक्स ने मेरी थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग भी करी है तो उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन करने में एंड लॉजिकल रीजनिंग इज अ सेक्शन उसको ना बड़ा मजा आता है करने में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आई लाइक दैट सेक्शन तो आपने जैसे बताया कि आपने अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दिए हैं तो आप बताना चाहेंगे ब्रीफली कि कौन कौन से आपने एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट किया है मैंने एट दैट टाइम व्हेन आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन आई ऑप्टेड फॉर आईबीपीएस एग्जाम ओके इन दैट आई क्लियर माय प्री एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट क्लियर माय मींस देन आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर SBI LIC NABARD एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग अ लिटिल बिट फॉर RBI सो आपने पेपर वन के लिए कितने टाइम के लिए प्रिपेयर किया आपने कितना टाइम डिवोट किया उसके लिए एक्चुअली मैं अपना पर डे का लेके चलती थी जैसे व्हेन आई वाज डूइंग पेपर वन एंड पेपर टू साइमल्टेनियसली मैं डेली पेपर वन एंड पेपर टू को टाइम दिया करती थी तो मैं अराउंड इन अ डे अराउंड 8-9 hours में देती थी जिसमें से अराउंड 6 hours आपके पेपर टू के लिए होते थे एंड 2-3 hours मेरे पेपर वन के लिए होते थे एंड इन पेपर वन आई ओनली हैव अटेम्प्टेड द सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट और ऑनलाइन वीडियोज़ देख ली यूट्यूब पे तो ये सब कुछ ही क्या है पेपर वन में पेपर टू में मैंने स्टडी ज़्यादा करी है सैम्पल पेपर्स कम अटैम्प्ट करें पेपर वन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट करने की कोशिश करी है ताकि पता चल सके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उनको कैसे अटैम्प्ट करना है टाइम फ्रेम कितना लेना है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए तो उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया तो जैसा कि हमें मैम ने अभी बताया कि पेपर वन के लिए अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स या फिर जो भी जितने भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा अब देखिए इसका एक रीजन भी है देखिए जो आपका पेपर वन होता है इसके अंदर कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं और सेकेंड थिंग जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो अगर आप बेसिक एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग सही है आप फ्री माइंड होकर पेपर दे रहे हैं तो आप पेपर वन को काफ़ी ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे देखिए आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है आपका पेपर टू पे देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर हम पेपर टू की बात करें तो यहाँ पे आपसे 100 questions पूछे जाते हैं और पेपर वन में आपसे 50 questions पूछे जाते हैं आपका थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है सो आप पेपर वन के अंदर आउट ऑफ 50 questions आप 40-45 questions ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं सो आप इसके लिए पास्ट ईयर पेपर को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और पेपर टू पे आप जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उस पर भी कीजिए बट देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर वन पे ध्यान नहीं देना है
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर वन को इग्नोर कर देते हैं, उनका सारा फोकस पेपर टू पे रहता है और इसकी वजह से उनका जेआरएफ एक या दो नंबर की वजह से ही रह जाता है। सो देखिए आपको दोनों पार्ट को इक्वली लेके चलना है। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेपर टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पेपर वन को इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप दोनों पार्ट को इक्वलेंट लेके चलिए और दोनों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कितने आवर्स देने हैं पेपर वन के लिए और कितने आवर्स पेपर टू के लिए देने हैं। जैसा कि हमें मैम ने बताया कि ये 6 to 7 hours देती थी पेपर टू को और 2 to 3 hours देती थी पेपर वन को। सो आपको भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको कितना टाइम पेपर वन के लिए और कितना टाइम पेपर टू के लिए देना है। चलिए मैम, अब जैसे आपने बताया कि आपका जैसे मास्टर्स कब कंप्लीट हुई थी? मैं मास्टर 2018 में कंप्लीट हुई। ओके, और आपने नेट कब क्वालिफाई किया था? मैंने जुलाई 2018 में किया था, उससे 6 months पहले। सो जैसे कि आपने बताया हमें कि आप आईपी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर आप पढ़ा रही हैं, सो यहाँ पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा रही हैं? आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड जीएसटी। सो यहाँ पे जो आपने आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा कभी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए ट्राई किया यहाँ पे? एक्चुअली आई वॉन्ट टू टीच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट द थिंग इज दैट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रिक्वायर वन एडोक पैनल फॉर्म। एंड जब तक मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आया था, बिकॉज इग्नू में रिजल्ट थोड़े से लेट हो जाते हैं आने में, तो जब तक मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आया था तब तक एडोक पैनल बंद हो चुका था, एडोक पैनल का फॉर्म, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वो फिल नहीं कर पाई। सो आई एम वेटिंग कि आई थिंक सितंबर के एंड में अक्टूबर नवंबर के बीच में दोबारा एडोक पैनल फॉर्म खुलते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि दोबारा एडोक पैनल फॉर्म खुले एंड आई विल फिल दैट फॉर्म एंड आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप इंटरेस्टेड हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में? ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बीएड भी कर चुकी हैं और आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है, सो आप बताना चाहेंगे आपने इस फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज देखिए जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अपार्ट फ्रॉम टीचिंग कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है, आप एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काफ़ी अच्छा पैकेज भी रहता है, सो आपने टीचिंग को क्यों एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट किया है यहाँ पे? When I was doing my graduation, from that time only I have thought ki I will explore all the areas of my interest. There are so many areas of my interest, so I apply for each and everything. Like I have worked for corporate sector for 6 months, I have taught in school for 6 months, even though I also have applied in wedding planning, although that's the absolutely different criterion area, but yes, I have worked in wedding planning sector also. And now I'm working as a lecturer. So when I was working in corporate, I didn't get the feel that I should remain in this area forever of my life. Okay. I want to do something in which I will feel happy. I feel like, yes, I have achieved something in my life. Okay. So I have teaching students as a tutor from past, I think, 6 to 7 years. Okay. So I always get joy whenever they were like, ma'am, ye kaise hoga, ma'am, wo kaise hoga. And when they will come to me, ma'am, achhe marks aa gaye, it always bring me joy ki haan, I have achieved something in my life. I have changed someone's life with my knowledge. So with that only I thought that I should go in this line. So aapka interest kaafi acha tha iske andar. Haan. ओके, सो आप बताना चाहेंगे इस फील्ड के अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड के अंदर डिफिकल्टीज हैं और कौन सी आपको मतलब लगते हैं कि हम बेनिफिट्स हैं इस फील्ड में? इफ आई टॉक अबाउट प्रोज, देयर आर सो मेनी प्रोज फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गेट टू अराउंड विद द यंग क्राउड। ओके, यंग क्राउड इज ऑलवेज अराउंड यू एंड यू ऑलवेज फील लाइक, यस, दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू बी। यू कैन ऑलवेज गेट टू नो अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व्हिच इज हैपनिंग एंड एवरीथिंग अबाउट young crowd, young people. And I'm also young, so I always like feel like, yes, this is my place. Secondly, I love when people ask me questions about my personal topic and I'm able to give them answers. Actually, that is the best part. When I'm able to give them answers, I'm able to explain them what is what. And the smile on their faces when they finally understand what I'm talking to them. So it makes me happy. So that's why. And I don't know, it's just, you know, the teaching line is really, I don't think so any other profession can be compared to teaching, what teachers go through every day. And I love to study. Studying is like,
if you say me that you have to study your whole life, maybe I will say yes, I will study for my whole life. Right now I have one subject which I'm not aware of anything, but I'm still teaching that subject, and first I'm studying that subject and then I'm going to class and teach that. Yes. So I never get this feeling that why I'm studying this subject. Okay. Because studying is the part which is really connected to me. So I think teaching is the sector in which you can only sustain if you want to study your lifetime. If you are like, no, I don't want to study after once I will start earning, then I will say this is not the place for you. Okay. And if I talk about cons, there is only one con I feel that when you go to a university or college or even to school, there are other activities you have to do, like for the admin, sometimes you have to do the admin work. Okay. To ensure that your college or your institute, your school is working properly. Okay. So sometimes you feel while you were doing those admin work that why we are doing this? We are not here to do this. Yes. We are here to teach the students. Yes. We should only teach the students and after that we should leave. But no, whenever you are working in any school, institute or university, you have to do some extra work. And sometimes that extra work hits you that why we are doing. That's the only con I feel right now. Till date that this is the only con of, you know, teaching. So we are ending this video here. Thank you, Sakshi, for coming to our channel. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.